हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रमन आर्ट्स। तो फ्रेंड्स, मैंने ना आज ये टोनी स्टार्क का एक पोर्ट्रेट बनाया है। देखिए, ये मैंने पहले आउटलाइन की थी, ठीक है। धीरे धीरे काफ़ी टाइम लगा क्योंकि मैं सीख रहा हूँ ना, इसलिए मुझे ठीक से आती नहीं है, बट प्रैक्टिस करते करते ठीक हो जाती है, ठीक है। तो मैंने देखिए किस तरीके से ये आउटलाइंस खींची हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी आउटलाइन पूरी हो चुकी है, अब मैं शेडिंग कर रहा हूँ। देखिए, आईज़ मेरी शेड हो चुकी हैं और ये आईब्रोज, अब हेयर्स शेड कर रहा हूँ मैं। देखिए, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, बस मैंने वीडियो को फास्ट किया हुआ है। प्लीज़ फ्रेंड्स, सपोर्ट मी माय चैनल। खाना बांटने जा रहा है, खाना बांटने जा रहा है। देखिए, शेडिंग हो चुकी है और अब ये मैं ब्लेंड कर रहा हूँ और लाइट एरिया को दिखा रहा हूँ। लाइट एरिया को देखना बहुत ज़रूरी होता है, ऑब्जर्व करना, और आउटलाइंस और लाइट एरिया और डार्क एरिया। तो डार्क एरिया मैंने ब्रश से करे हैं और लाइट एरिया पे मैंने इरेजर का इस्तेमाल किया है। ब्रश का इस्तेमाल हम 3D लुक देने के लिए करते हैं। ये
देखिए बिल्कुल लग रहा है ना 3D। अब देखिए ये उनकी जैकेट है, जैकेट को शेड किया है मैंने ब्लैक पेंसिल से, मैकेनिकल पेंसिल से। तो फ्रेंड्स देखिए ये हेयर्स को मैंने 2 लेयर्स में कंप्लीट किया है ब्रश से ब्लेंड किया है हेयर्स को भी। धीरे धीरे करना है, ये मैंने वीडियो फास्ट किया हुआ है, आपको धीरे धीरे ही काम करना है। ब्रश से जो लुक आया था ना वो बिल्कुल 3D आता है। देखिए फाइनल टच है।